नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की दुनिया में। बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय है पूरक पुस्तक कृति का भाग एक में संकलित पाठ चार माटी वाली, और जिसके रचनाकार हैं विद्यासागर नौटियाल। तो बच्चों, आइए पाठ पढ़ने से पूर्व संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं पाठ के लेखक विद्यासागर नौटियाल जी का, जो हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार रहे हैं। इनका जन्म बच्चों 29 सितंबर 1933 उत्तर भारत की एक पहाड़ी रियासत टिहरी गढ़वाल में भागीरथी के तट पर माली देवल गांव में हुआ। अपने दीर्घ लेखन काल में इन्हें अपार सफलता मिली, और बच्चों पहाड़ों में वनों के निर्मम संहार के विरुद्ध छेड़े गए चिपको आंदोलन के ये प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है। इनकी सुप्रसिद्ध कहानियां हैं टिहरी की कहानियां, फटजा पंचधार, घास, सोना आदि। तो इस प्रकार बच्चों, यह था बहुत ही संक्षिप्त जीवन परिचय नौटियाल जी का। आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर, माटी वाली। पाठ के नाम से ही बच्चों समझ गए होंगे कि माटी वाली अर्थात माटी बेचने वाली। तो लेखक ने पाठ का नाम माटी वाली ही क्यों रखा? बच्चों, माटी वाली पात्र के माध्यम से लेखक ने समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर संकेत किया है, और वह समस्या है विस्थापन की समस्या और गरीबी की। विस्थापन और गरीबी, तो यानी विस्थापन की समस्या को जो व्यक्ति झेलता है, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को वही जानता है। इस बात को लेखक ने माटी वाली पात्र के माध्यम से बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए पढ़ते हैं पाठ माटी वाली। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। तो बच्चों, माटी वाली के लिए कहा गया कि माटी वाली शहर में माटी बेचने जाती थी, और मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में जब वह पहुंची तो उसने वहां जाकर दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर रखे बोझ को नीचे रखा। बोझा शब्द कहकर लेखक बताना चाहता है कि माटी वाली के सर पर बहुत अधिक बोझ रखा हुआ था, यानी उसकी क्षमता से भी अधिक, और जिसने उसको उस मोहल्ले के अंतिम घर के सामने उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर कहते हैं बच्चों कनस्तर को। कनस्तर यानी जो लोहे अथवा टीन का बना होता है, और आज भी प्रयोग होता है वैसे तो, और पहले तो बहुत अधिक प्रयोग होता था किस चीज़ में, घी अथवा तेल के लिए। उसमें घी अथवा तेल बंद होकर आता था और जो आयताकार में बना होता था। तो ऐसे उस कनस्तर में माटी वाली माटी भरकर माटी बेचने आती थी। टिहरी शहर में शायद कोई ऐसा घर होगा जिसे वह नहीं जानती हो, या जहां उसे न जानते हों। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, मतलब माटी वाली को उस मोहल्ले में सभी लोग जानते थे, फिर चाहे वह मकान मालिक हो या किराएदार या उनके बच्चे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के कारण उस काम को करने वाली वह अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि बच्चों, एक लाल मिट्टी को बेचने वाली उस मोहल्ले में वह माटी वाली अकेली है। तो लेखक कहता है यदि वह वहाँ न हो तो लोगों के घरों में चूल्हे तक जलने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा माटी बेचने वाला नहीं आता और न ही उसका कोई ऐसा प्रतियोगी है। यदि कोई दूसरा होता तो शायद लोग दूसरे से भी खरीद सकते थे, लेकिन आती ही वह अकेली है तो सब लोग उसी पर निर्भर हैं। और बच्चों, वह लाल मिट्टी लाती है जो चूल्हा लिपने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और वह हर घर की ज़रूरत है ये समझ लीजिए। क्योंकि आज तो हम क्या करते हैं, आज गैस के चूल्हे घरों में प्रयोग में आते हैं, और उनको तो गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन पहले
कच्चे घर होते थे और मिट्टी के चूल्हे होते थे और जिनको मिट्टी से ही लीपा जाता था, जिससे शुद्धता और सफाई बनी रहती थी और चूल्हों की मजबूती भी। तो घर घर में लाल मिट्टी देने का कार्य वह माटी वाली करती थी। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या, यानी अगर माटी वाली माटी न लाए तो लोग खाना खाने के बाद, खाना पीना समाप्त करने के पश्चात, जो गांव में एक रिवाज समझ लो और आवश्यकता समझ लो, खाने के पश्चात लोग अपना चूल्हे चौके की साफ़ सफाई करते हैं और उसको लीपते हैं, तो यदि माटी वाली ना आए तो वह उनके लिए एक समस्या बन जाएगी, एक समस्या खड़ी हो जाएगी। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो लाल मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण है बच्चों गांव के लिए, उस समय होती थी, ये आप समझ गए होंगे कि चूल्हे चौक को लीपने के काम तो आती ही है वो, और साथ ही साल दो साल में घर भी कच्चे होते थे, इसलिए घरों की दीवारों को और कमरों को गोबर की लिपाई से करने के लिए भी लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। यानी लाल मिट्टी और गोबर दोनों को मिला करके और उसका घोल बना करके उससे घरों को लीपा जाता था। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। अब जो माटी बेचने वाली है बच्चों, घर घर जाकर जो माटी बेचकर आती है, वह बुढ़िया कैसी है? नाटे कद की, यानी छोटे कद की है, ऐसा उसका व्यक्तित्व है। तो एक बार जो उसे देख लेता है किराएदार, यदि नया नया किसी घर में आता है और एक बार वो माटी वाली को देख लेता है तो वह उसका पक्का ग्राहक बन जाता है। तो इस प्रकार माटी वाली के सभी ग्राहक माटी वाली के ही हैं, क्योंकि वहाँ जितने भी घर हैं सब में माटी वाली मिट्टी जाकर दे के आती थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़ कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। तो बच्चों, शहरवासी केवल माटी वाली को नहीं पहचानते बल्कि उसके कंटर को, यानी उस कनस्तर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं, और कि इस बर्तन में, इस कनस्तर में वह हमें माटी देने आएगी, तो उसकी पहचान भी वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को हो गई थी। और उस कनस्तर के नीचे वह क्या रखती थी? रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाया गया एक गोल डिल्ला, यानी जैसे गांव में कपड़े को मोड़कर बना लिया जाता है और उसको उस बोझ के नीचे रखने के लिए, ताकि सर में वह न चुभे और उससे परेशानी न हो। ऐसी वह उसके ऊपर क्या रखती थी? लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा, छुलबुल का मतलब ऊपर तक भरा हुआ कनस्तर रखती थी। और उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। तो बच्चों, जो वह कंटर लेकर आती थी उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता था, उसका ढक्कन उतार कर, ढक्कन काट के वो रखाती थी। अब वो केवल आयताकार में, आयत के आकार में बना हुआ वह जो कनस्तर था
वो बिना ढक्कन का होता था और ऊपर तक मिट्टी से भरा होता था। ऐसा क्यों? ताकि उसमें कुछ मिट्टी अधिक आ जाए और बार बार उसे ढक्कन खोलने और बंद करने में समय ना बर्बाद करना पड़े और आराम से वो उसे माटी जो उसके अंदर होती है उसको खाली कर सके, लोगों को दे सके और दोबारा भर सके उसमें। तो संभवतः इसीलिए वह बिना ढक्कन का कनस्तर लाती होगी। और बच्चों, तभी जिस घर के सामने वह रुकी और उसने अपने सर के ऊपर से कनस्तर उतार कर रखा, उसी घर में से एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। जो वहाँ वो छोटी बालिका आई उसका नाम क्या था? कामिनी। उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तो बच्चों, यहाँ पर एक विशेष बात क्यों है जिसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूँगी आपका। तो बच्चों, जो छोटी लड़की आई दौड़ती हुई जिसका नाम है कामिनी, तो लेखक ने उसका नाम तो बता दिया कामिनी, लेकिन जो पाठ की मुख्य पात्र है बूढ़ी माटी वाली, उसका नाम नहीं बताया। तो मतलब कहने का यही है कि जो लोगों के स्तर के अनुसार और लोगों के पेशे के अनुसार उनका नाम भी लिया जाता है अथवा नहीं लिया जाता। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी गली मोहल्ले में ख़ास तौर से जो चीज़ें बेचने के लिए आते हैं उनको नाम से नहीं, उनके कामों से ही लोग पुकारते हैं, इसीलिए बार बार माटी वाली कहा गया है। और जो छोटी बच्ची जिसका पाठ में अधिक काम नहीं है, उसकी उपस्थिति अधिक नहीं है, कितनी भी नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, ना के बराबर, वह आती है और उसका नाम स्पष्ट रूप से लेखक ने बताया है। आगे चलते हैं। वह उसके सामने खड़ी हो गई आकर और बोली, मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आना। अभी आती हूँ, माटी वाली ने कहा। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। अब उस घर की मालकिन बाहर निकल कर आई और उसने कहा कि इस माटी को घर के उस कोने में उलट दो। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। तो बच्चों, वह मालकिन जो घर से निकल कर आती है क्या कहती है उसको कि तू तो बहुत ही भाग्यवान है, बहुत लकी है जो चाय के समय पर आई है। देखो बच्चों, चाय के समय पर ऐसा विशेष रूप से क्यों कहा कि जो चूल्हा, आजकल तो गैस है, एक सेकंड लगता है जलाने में, लेकिन पहले जो चूल्हे हम जलाते थे, जो कच्ची मिट्टी के चूल्हे थे, वो लकड़ी और उपलों की सहायता से जलाए जाते थे, जिनको जलाने में समय लगता था। तो अब चूल्हा जल रहा है, तुरंत उस पर कुछ भी चीज़ बन सकती है, और अगर चूल्हा नहीं जल रहा हो तो जो है मालकिन उसको उसके लिए विशेष रूप से चाय बनाकर नहीं देती, क्योंकि चूल्हा जलाने में समय लगता है। इसलिए वह कहती है कि तू तो बहुत भाग्यवान है जो चूल्हा जलने के समय पर आ गई है, और भाग्यवान आते हैं खाने के समय। इससे ये भी पता चलता है अतिथि देवो भव हमारे देश की परंपरा का। वह अपनी रसोई में गई और दो रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह पुनः अपनी रसोई में घुस गई। तो बच्चों, उस मालकिन ने क्या किया, वह अपनी रसोई में गई और उसके लिए दो रोटियां ले आई, और रोटियां उसको दे करके वह पुनः रसोई में चली गई। संभवतः कुछ और उसके लिए लाती होगी। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। घर के मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज़ निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढीले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और फिर सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। अब बच्चों, क्या किया उसने कि एक तो क्या कहते हैं लेखक, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि बच्चों वह तो सुबह से लेकर और रात तक समझ लीजिए बहुत अधिक व्यस्त रहती थी। वो माटा खान जाती थी, माटी लेकर आती थी, और देर गए वो अपने घर में घुसती थी जाकर, और बेहद मेहनत करती थी और इतनी थककर चूर हो जाती थी कि उसके पास कि मेरा भाग्य अच्छा है या बुरा है ऐसा सोचने का समय ही नहीं था।
तो बच्चों जब मालकिन तो अंदर चली गई रसोई में, बुढ़िया ने चारों ओर नज़र घुमाकर देखा कि कोई भी वहाँ नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने तुरंत अपने सर पर जो कपड़ा रखा था उसे खोला, इकहरा किया और उसके अंदर से एक और कपड़ा निकला और जो फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, यानी एक छोटा कपड़ा और निकला। तो मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी दो रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और कपड़े पर लपेट कर गांठ बांध दी। जो उसने दूसरा कपड़ा निकाला था उसमें उस दो रोटियों में से एक रोटी को निकाल कर बांध दिया। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ही ज़मीन पर रख दिया। रख दिया शब्द पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, रख दिया, बुढ़िया के हाथ में नहीं दिया। तो इस बात से किस बात का पता लगता है कि उस समय जाति भेद भी था। बूढ़ी हरिजन थी इसीलिए उसको स्पर्श करना उस समय शायद उचित नहीं माना जाता होगा, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, उस समय अवश्य था। तो उसने एक रोटी तो रख ली मोड़कर कपड़े में, और जब मालकिन अंदर से आई तो एक पीतल के गिलास में चाय लाई और लाकर उसके सामने रख दी। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, तो वो कहती है सब्जी वगैरह तो कुछ है नहीं, बासी भी नहीं है, इस चाय के साथ ही निगल जा, इस चाय से ही इस रोटी को खा जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया, क्योंकि गिलास गरम था इसीलिए कपड़े की सहायता से उसने गिलास को हाथ में उठाया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी और तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। यानी फूंक मारकर वह बार बार उस चाय को ठंडा कर रही थी ताकि चाय वह जल्दी पी सके, और एक रोटी उसने खा ली और एक उस रोटी के साथ वो धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी यानी पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, माटी वाली उस मकान मालकिन को कहती है कि ठकुराइन जी चाय तो अपने आप में ही बहुत अच्छी सब्जी है, तो सब्जी की आवश्यकता नहीं, यही साग है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब मालकिन ने क्या कहा कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये, और ध्यान दीजिएगा इस पर कि क्यों मकान मालकिन ने ऐसा कहा कि भूख मीठी या भोजन मीठा। बच्चों ये बिल्कुल सत्य है कि भूख ही अपने आप में सब्जी होती है। मतलब ये कि जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसको रूखी सूखी रोटी खाने में भी संपूर्ण आनंद आता है, लेकिन जब उसका पेट भरा हो तो उसे अच्छे व्यंजन भी, स्वादिष्ट व्यंजन भी नीरस लगते हैं, उनमें भी आनंद नहीं आता। क्यों आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसका पेट पहले ही भरा हुआ है, उसकी इच्छा ही नहीं है खाने की। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, माटी वाली पूछती है गिलास की ओर देखते हुए, कि पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। देखो पीतल के गिलास, पहले लोग पीतल के गिलासों का, पीतल के बर्तनों का प्रयोग करते थे, और जब बुढ़िया ने उस पीतल के गिलास को देखा तो वो देखकर खुश होते हुए कहती है कि आजकल तो किसी भी घर में ये दिखाई नहीं देते और आपने संभाल कर रखे हुए हैं। अब मालकिन क्या कहती है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा मन गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने की बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करने के बाद खरीदारी की होगी या ये चीज़ें खरीदी होंगी। ये सब तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। तो बच्चों वह ठकुराइन, वह मालकिन क्या कहती है माटी वाली के यह कहने के पश्चात कि तुमने अब तक इनको संभाल कर रखा है, तो वो बताती है कि मैं तो अपने जो पुरखों की, पूर्वजों की यानी बाप दादा की जो खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, मैं उनको
बेकार में ही कम दामों में उनके द्वारा इकट्ठी की गई चीज़ों को बेचूं, ऐसा मेरा मन गवाही नहीं देता। तो बच्चों, इससे क्या पता लगता है कि जो ठकुराइन है उसका अपने पूर्वजों के प्रति बहुत ही मान सम्मान की भावना का पता लगता है, आदर भाव दिखाई देता है। तो वो कहती है, हमें क्या पता कि कितनी उन्होंने संघर्षों के साथ, कितनी कड़ी मेहनत करके, बिना कोई स्वादिष्ट चीज़ें खाए, यानी अपने मन को मारकर उन्होंने हमारे लिए ये चीज़ें जुटाई होंगी, और तो मैं किस प्रकार इनको बहुत कम दामों में बेच दूँ, तो ऐसा उसका मन नहीं करता। तो वो कहती है कि वे सारी आज जो लोग क्या करते हैं, उनके द्वारा इकट्ठी की गई चीज़ें जो अर्जित की होती हैं हमारे पुरखों ने, उनको या तो बेकार समझकर नष्ट कर देते हैं अथवा बहुत कम कीमत में बेच देते हैं। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और वास्तव में पीतल बहुत महंगा होता है। आज भी आप जाकर देखेंगे तो तब भी पीतल की चीज़ें आपको बहुत महंगी मिलेंगी, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं, तमाम बर्तन भांडे, यानी पीतल के भांडे, पीतल के बर्तन लोग उनको बहुत कम भाव में बेच देते हैं, और बाज़ार में जाकर जो व्यापारी हैं वो उनको बहुत ऊंचे दामों पर बेचकर लाभ कमाते हैं। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। पहले कांसे के बर्तन भी बहुत प्रयोग में आते थे, लेकिन आज भी वो ना के बराबर रह गए हैं, हर घर में दिखाई नहीं देते। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।